नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो ट्रिप में। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग अभी तिरुपति आए हैं और पीछे ये होटल है, होटल श्रीपदा रेसिडेंसी, ट्रेंड ट्रिबो श्रीपदा रेसिडेंसी। और हम लोग अभी 2 घंटे तक रेस्ट किए थे होटल में और अभी टाइम हो रहा है करीब 4। तो अब यहाँ से जा रहे हैं तिरुमाला, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। तो 2 गाड़ी से हम लोग आए थे, मैं और मेरा छोटा भाई, और अभी फ़िलहाल सब लोग इसी गाड़ी में जा रहे हैं, टाटा पंच में। तो आगे यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है, उसके बाद फिर चढ़ाई चढ़नी है। तो रास्ते में जो भी डिटेल होगा मैं आपको बताता हूँ, आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये है सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट, ये सामने आप देख सकते हैं। और एक एक करके गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, तो हम लोगों को इसमें से लगेज निकाल के आगे सिक्योरिटी चेक इन में पास करना है। तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लग सकता है और इसके बाद फिर हमें 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। वन वे है, उतरने का अलग से रास्ता बना हुआ है। तो बस आगे मिलते हैं आपसे सामान चेक करा कर। तो दोस्तों मौसम काफ़ी अच्छा है अभी और शाम के करीब बज गए हैं 5:30 और ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है रास्ते पर, क्योंकि संडे का दिन है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा दर्शन में, उम्मीद है ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। और आते जाते गाड़ियाँ भी मुझे ज़्यादा बहुत दिख नहीं रही हैं, तो बस पहुँच जाएँगे। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर और बाकी है, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए तिरुमाला और शाम के बज गए हैं 6:30। मौसम एकदम ठंडा है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई 20 किलोमीटर की चढ़ाई में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था लास्ट ईयर पूरी चढ़ाई का, तो रास्ते का मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, हालांकि सिर्फ 2 से 3 गाड़ियाँ मुझे दिखी थी। तो उम्मीद है ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, गाड़ी यहीं जस्ट पीछे लगा दिए हैं और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर है, तो थोड़ा घूमते हुए चलते हैं। अपना दर्शन का टाइमिंग जो है वो रात का 10 बजे का मिला है, लेकिन 2-3 घंटे पहले एंट्री हो जाती है, तो लग रहा है 10 तक हम लोग दर्शन कर लेंगे, बाकी जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तो उस समय कैमरा जो था वो अलाउड नहीं था, लेकिन गलती से लास्ट टाइम, क्या कभी भी अलाउड नहीं होता है, लेकिन गलती से कैमरा पर्सन ने मुझे अलाउ कर दिया था। उसको मैंने बताया भी था कि ये कैमरा है, लेकिन शायद उसने जाना नहीं, तो मैंने पूरा मंदिर के अंदर का भी वीडियो कवर किया था। फिलहाल आज मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा कैमरा और बाहर ही जमा कर देंगे, बाकी जैसा भी होगा आपको मैं डिटेल बताता हूँ, आइए चलते हैं। देखना गोविंदा गोविंदा गोविंदा
तो दोस्तों यहाँ पर पीछे एक काउंटर है जहाँ पे आपका टिकट वैलिडेट करते हैं, 300 का स्पेशल एंट्री टिकट। तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर और हम लोगों का पूरा चेक इन हो गया है। अब आगे चल रहे हैं, आगे लगेज काउंटर है, वहाँ पे मोबाइल जमा किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता बना है। शाम के करीब 7 बज गए, मौसम काफ़ी अच्छा है, एकदम ठंडा कूल। तो बस आगे मोबाइल जमा करेंगे, उसके बाद फिर आपसे डायरेक्ट दर्शन करने के बाद ही मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली बालाजी के दर्शन हो गए और काफ़ी मशक्क़त हुई, काफ़ी भीड़ थी आज, करीब 3-3.5 घंटे लग गए हम लोगों को। 7 बजे लाइन में घुसे थे और बाहर निकलते निकलते 10:15 हो गया और उसके बाद आधे घंटे लग गए लड्डू के काउंटर में। और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भोजन पानी करके उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो आप देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बट ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया। एक बार भगवान विष्णु जी के दर्शन कर लीजिए तो काफ़ी आनंद मिलता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।